नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है मिंटू विश्वकर्मा जी। आप मूल रूप से औरंगाबाद के निवासी हैं। दोनों कानों में बचपन से बहने की समस्या है, इसके चलते लगभग 12 साल पहले एक कान का ऑपरेशन हो चुका है और सुनने में भारी गिरावट है। और अब हम अध्ययन करना चाहेंगे कि कान में क्या तकलीफ है। जस्ट शो द मॉनिटर। Can see person C2. दूसरे कान दिखेगी। Here we can see person C2. नाक बंद तो नहीं रहता है आपका? काम बराबर है तो जी बात है। मुंह खोल के सांस लीजिए, डरी नहीं, खूब बैठक लीजिए। ठीक है, खूब बैठक लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब टीम द्वारा विभिन्न जांच की जाएगी और विश्लेषण किया जाएगा और इनके सुनने की स्थिति को लाभ दिया जाएगा। थैंक्स फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट हेल्थ केयर। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है मंटू विश्वकर्मा जी औरंगाबाद से। आप बिहार सरकार में होम गार्ड हैं और अपने कान की तकलीफ के चलते हमारे पास पहुंचे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, मंटू जी अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। ग्राम बेला पोस्ट फारा थाना फारा जिला औरंगाबाद बिहार का निवासी हूँ सर। वेरी गुड जी। और बड़े दिन से कम से कम 15 साल से कान में बहुत सुनने का बहुत ज़्यादा गिरावट है सर जी। इसलिए मैं मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से मैं सर अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में पहुँचा हूँ सर जी। अभी वर्तमान में आप कौन से विभाग में कार्यरत हैं? बिहार होमगार्ड में है सर जी। अभी कहाँ है पोस्टिंग आपकी? औरंगाबाद जिला में। औरंगाबाद प्रॉपर में है, सिटी में ही है। यस सर। ठीक है। कान की तकलीफ के चलते आपको कार्यस्थल पर क्या समस्या आ रही थी? बहुत अन्य तरह से प्रक्रिया कम सुनाई देता था सर। बगल वगल में सब खाना वाना खाते थे यार दोस्त लोग जी। उसके बाद फिर का बोलते थे नहीं बोलते से एक फिर परसेंट नहीं सुनाई देता था सर जी। इसके उम्मीद से आया हूँ सर जी। आपके विभिन्न जांचों में पाया गया कि आपके सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और तो सबसे पहले आज एक कान की सर्जरी की जाएगी और आपको अधिकतम लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। यस। ओके। यस। जय हिंद। जय हिंद। तो अब हम देख सकते हैं गार्ड साहब के कान की खराब अस्थि इनकस जो कि पूर्णतः नेक्रोज्ड है, इसे निकाल दिया गया। हाई रेजोल्यूशन में हम देख पा रहे हैं। मध्य कण की खराब अस्थि डिजीज ओसिकल जिसे निकाल दिया गया और उसकी जगह हमें सिलिकॉन का प्रोस्थेसिस PORP पार्शियल ओसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस लगाना होगा। यह हम देख पा रहे हैं। ओके। मंटू जी, आपका दूरबीन पद्धति से कान का ऑपरेशन संपन्न हो गया है और अब हम कान के पिछले हिस्से को देखना चाहेंगे। हम हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं कान के पिछले हिस्से पे किसी प्रकार का चीरा का टांका निशान नहीं है क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ है। और आपके मध्य कण की जो अस्थि थी इनकस उसे निकाल दिया गया है, उसकी जगह हमने पार्शियल ऑस्टिकुलर रिकंस्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस या सिलिकॉन प्रोस्थेसिस रखा है। और अब हम मंटू जी से मिलना चाहेंगे। मंटू जी कैसे हैं? ठीक है सर। ऑपरेशन के दौरान कोई विशेष तकलीफ तो नहीं हुई? ना हुआ है। अब आपको कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है सर। पहले की तुलना में आपकी सुनाई अब बेहतर है? बेहतर है सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके जो दूसरे कान को भी जब ये किया जाएगा तो आपकी सुनने की क्षमता में अच्छा लाभ मिलेगा। यस सर। ठीक है। ठीक है सर। आपने टीम में विश्वास किया, टीम द्वारा भरसक प्रयास किया गया और
संतोषजनक आपको लाभ मिला, धन्यवाद।